और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? बाकी भी बोलो कैसा हेलो। रहा हाँ तुम्हारा। मैं शेयर करना चाहूंगा। हाँ बोलो। आफ्टर ऑल स्टोरीज वाज नाइस, ऑल स्टोरीज, मुझे सारी स्टोरीज अच्छी लगी, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा जो प्रज्ञा ने स्टोरी सुनाई उस स्टोरी के बारे में। तो जो मतलब स्टोरी में क्या हुआ कि मतलब लास्ट में मजहब का प्रॉब्लम हो गया। मतलब वो सोच रहे थे अब उसको अगर वो शारदा मुस्लिम हो जाएगी तो इजी हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनमें वो जो कह रहे थे वो प्यार है, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, वो बाद में जाके पता चला। क्योंकि अगर सच में अगर प्यार होता, रियल लव होता, तो मजहब का प्रॉब्लम ही नहीं होता, मतलब क्वेश्चन ही नहीं होता। हो सकता है मजहब के कुछ लोग आड़े आ जाते, लेकिन वो इम्पोर्टेंस नहीं देती इस बात को ज्यादा, लेकिन सिर्फ एक अट्रैक्शन था, इसलिए वो मजहब भी उन्हें जरूरी लग रहा। हाँ मतलब जैसे कि मैंने बोला भी था ना कि आत्महत्या कर लेता अगर तुम नहीं मिलती, तो ऐसी वैसी बातें तो वो जो इनिशियल्स झूठी हैं बातें अभी। थी सब। हाँ मतलब एज भी लोग के भी 16 17 18 की है, तो अभी पहला प्यार या कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंसेस है, तो अभी सब कुछ मतलब इनके लिए शायद न्यू एक्सपीरियंस टाइप है, तो अब ये भी नहीं कह सकते। बट प्यार की भी सबकी डेफिनेशन अलग है, तो हम ये भी नहीं कह सकते ना कि उनको क्या था एग्जैक्टली, अट्रैक्शन था कि क्या था। सो या मतलब तुम्हारा पॉइंट भी सही है कि अट्रैक्शन ही हो सकता है। एनीवन, अखिल लाले? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट वाली स्टोरी मिस कर दी, मैं थोड़ा सा बाहर था, बट मैंने दो स्टोरीज सुनी, प्रिंस की और प्रज्ञा की। तो नाइस। विनोद गीते लगा कि सर ने जो बोला है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसको 20 बार पढ़ो और 10 बार बोल के पढ़ो, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बट मुझे ऐसे लगा कि किसी ने पढ़ा नहीं है वो उतनी बार। ओके सेकेंड स्टोरी में तो मुझे लगा ही कि वो पढ़ा नहीं गया उतनी बार, क्योंकि जब आप वो प्रोसेस को फॉलो करोगे तो वो चीज अलग निकल के आती है। प्रज्ञा ने आई थिंक ज्यादा बार पढ़ा है, वो उसका बोलने का तरीका अलग था, फर्स्ट स्टोरी में अलग था, सेकंड में अलग था। तो आई थिंक सर जो बोल रहे हैं वो प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि 4 5 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा और वो हो जाएगा। करेक्ट। जो लास्ट मैंने लास्ट वीक का जो हुआ था स्टोरी टेलिंग, उसमें मुझे सुहानी का बहुत अच्छा लगा था। उसका जो तरीका था बोलने का, जो ठहराव था, इवन राहुल का भी, तो वो चीजें हम सब में आनी चाहिए। वो सुनने के लिए एक इंटरेस्ट पैदा हो ना, तो ये करके मुझे लग रहा है फायदा होगा। और कोई ऐसे ये मत लो कि मैं किसी को अरे ये नहीं, मतलब इट्स को क्या लाइक महसूस हो रहा, वही पूछा जा रहा है ना, कोई ब्लेम नहीं। नहीं, और बट ऐसा अगर नहीं है, मतलब एक्चुअली हम एज एन एक्टर हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, और सर ने ये जो परफेक्ट। प्रोसेस बनाया है ना, ये बहुत अच्छा है कि हम एक दूसरे को सुन के समझ के कुछ और सीख सकते हैं। जैसे अभी मुझे ऐसे लगा कि मैंने तीनों में से कुछ सीख सकता हूँ, एक अलग कैरेक्टर बोल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे ये चीज मिसिंग हाँ लगी ट्रू। कि उसको इतनी बार पढ़ा नहीं गया, सच है झूठ है आई डोंट नो। ओके ओके हाँ मे बी वैसे इमोट मतलब हाँ हो सकता है, क्योंकि क्योंकि हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कोई नहीं क्रिटिसिज्म का बात नहीं है। नहीं ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई फिल्टर रखेगा तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो कोई आगे प्रोग्रेस भी तो नहीं हो पाएगी ना फिर। देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे जो मिसिंग लगा वो बोल दिया। हाँ अच्छा है, तो सही है। हम मैं ऑफेंड भी नहीं और हूँ, मैं अभी बोल ना रही हूँ अच्छा कोशिश, है मतलब। और कोशिश भी ना यही करेंगे कि इतने बार उसको रीड कर लेंगे ना कि बुक हाथ में लेके पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि फिर आप स्टोरी बोलोगे नहीं, आप वो स्टोरी फील कराओगे, तो हम भी वो चीज को फील करेंगे। अगर आप पन्ना पलट पलट के बोलते जाओगे ना, तो हम भी सिर्फ सुनते रहेंगे। लेकिन अभी जब प्रज्ञा ने स्टोरी बोला ना, तो मैंने वो स्टोरी सुना नहीं, मैंने वो स्टोरी को फील किया, मैं उस जगह पे मौजूद हुआ था, फिर पटता पतंग भी दिखी मुझे, तो सब दिखा मुझे, तो
उसी तरीके से अगर होगा ना तो ये काफी अच्छा आगे ग्रो भी होगा और काफी कुछ सीखने मिलेगा हम लोगों को। एक चीज और मुझे इसमें ना कोशिश करना, जो भी कहानी सुना रहा है ना, कुछ जगहों पे अगर वर्ड ऐसे है ना, कुछ जैसे क्रोशे का काम करती है वो लड़की, अभी आई डोंट नो कितने लोग उस चीज को, मैंने भी कुछ रिलेट ही किया कि यार ये क्या काम होता होगा कैसे, बट कुछ वर्ड्स को ना एक्सप्लेन कर दिया करो, मतलब जो भी स्टोरी बहुत ज्यादा जैसे उर्दू लैंग्वेज के वर्ड्स हैं कुछ वैसे ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा होता है कि स्टोरी में एक्सप्लेनेशन ही चल रहा है हर चीज में, कुछ वर्ड्स जो बहुत स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो क्या, जैसे काम से रिलेटेड उसका इम्पोर्टेंट था वो पॉइंट कि वो क्या काम करती है, कुछ भी हो सकता है, रैंडम वर्ड हो सकते हैं, जैसे जिर्री से झांकना, अभी आई डोंट नो जिर्री कितने लोग वैसे तो कर ही लेंगे क्योंकि जिर्री समझ में आता है तो सेटअप के थ्रू क्या होता क्या होगा, बट ऐसे वर्ड्स ना एक जगह दो जगह एक्सप्लेन कर दो तो स्टोरी से रिलेट करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि उन वर्ड्स में भी कई जगह पे एक्सप्लेनेशन एक छोटा सा बता दिया जाए। ओके किसी को कुछ और बोलना है? आज मुझे मजा लग रहा है, अब लग रहा है कि हाँ मतलब मैं एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट संडे में स्टोरी सुनने के लिए, सही है, नई स्टोरी भी रीड करना नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि एक बार ही पढ़ना, सेकंड नहीं, 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 पढ़ोगे मैं अब रिपीट चांस अभी नाम डालेंगे फिर नंबर आएगा तो अब देखेंगे फिर नंबर का वेट करेंगे। नेक्स्ट विनोद गीते और विजय वर्मा है। नेक्स्ट संडे हाँ मोबाइल में कुछ बोल रहे थे। हाँ नेक्स्ट संडे का बता रहे थे ना आप? हाँ वो तीनों ही है, ग्रुप को अपडेट कर देना। हाँ ग्रुप में अपडेट कर दूंगा।